हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नॉम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे सीएचओ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जो भी आपके सामने राजस्थान सीएचओ की एग्जाम आ रही है, यूपी सीएचओ की एग्जाम है, या फिर एमपी सीएचओ, हरियाणा सीएचओ, हिमाचल सीएचओ, त्रिपुरा सीएचओ, जिस भी स्टेट की एग्जाम है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन सेशन रहेगा, ये आपके जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो भी आपके सीएचओ एग्जाम में आते हैं, जो पीछे के एग्जाम में आए हैं, आगे आने की संभावना है, हम उन पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। कोर्स सिर्फ 399 रुपये में है, वो भी 1 साल के लिए, ठीक है। जहाँ पे आपको सीएचओ की पीडीएफ मिलेगी, मेगा टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जीके रीजनिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और जो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 399 रुपये में। कोर्स की वैलिडिटी है 1 साल तक। अगर आपने आज असेस किया तो आपको नेक्स्ट ईयर तक वो कोर्स है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रीथिंग रेशियो विल यू गिव टू ए कार्डियक अरेस्ट विक्टिम। एक कार्डियक अरेस्ट का विक्टिम है, आप उसको कितने कंप्रेशंस और ब्रीथिंग दोगे, ठीक है। उसका रेशियो क्या होगा, सीपीआर देना क्लाइंट को, तो उसमें कंप्रेशंस और ब्रीथिंग का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए, 30:4, 30:5, 30:8 और 30:2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। सीपीआर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका एक वीडियो भी बना रखा है हमने हमारे चैनल पे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30:2, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन में देखिए, इसमें अभी किसी की एज नहीं बताई है, इसमें एडल्ट भी नहीं बताया, इसमें कोई इन्फेंट भी नहीं बताया, ना कोई चाइल्ड बताया। अगर क्वेश्चन में ऐसा आए तो हमको क्या मान के चलना है, एडल्ट, कि क्लाइंट ने एडल्ट के बारे में पूछा है, तो हम नॉर्मली एडल्ट को कितना जो भी कंप्रेशंस और ब्रीथिंग रेशियो रखते हैं वो रखेंगे 30:2, ठीक है। कंप्रेशंस होंगे 30 और ब्रीथिंग होगी 2, ठीक है। चाहे उसमें रेस्क्वायर 1 हो या फिर 2 हो, फर्क नहीं पड़ता, हम 30:2 ही रखेंगे। अगर मैं बात करूं इन्फेंट या फिर चाइल्ड की, अगर उसमें रेस्क्वायर 1 है तो हम जो भी कंप्रेशंस और ब्रीथिंग है वो 30:2 रखेंगे। अगर वहाँ पे रेस्क्वायर 2 है, बचाने वाले 2 है कंप्रेशंस और ब्रीथिंग के लिए, तो वहाँ पे आप कितना रखोगे रेशियो, वो रखोगे 15:2 इफ रेस्क्वायर आर 2, अगर वहाँ पे रेस्क्वायर कितने 2 हैं। तो ये है इन्फेंट और चाइल्ड में। एडल्ट में आपको 30:2 ही रखना है, चाहे रेस्क्वायर 1 हो या 2 हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। आपको बताना है, एक किसी को डॉग बाइट हुई है तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एड है वो क्या करोगे। ऑप्शन में देखिए, कवर विद ड्रेसिंग, वॉश विद सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट, सूचर द वाउंड और रेबीज वैक्सीन दोगे। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो फर्स्ट एड करोगे आप किसी भी डॉग बाइट वाले क्लाइंट को, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जहाँ पे भी जो भी डॉग ने बाइट किया है तो उस एरिया को आप वॉश करोगे सोप एंड वाटर की सहायता से, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट एड में यही पूछते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड में आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी एरिया है बाइट वाला एरिया है वो उसको आप वॉश करोगे किसकी सहायता से, सोप एंड वाटर की सहायता से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक पर्सन है वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को, तो वो कौन है। ऑप्शन में देखिए, चैनल, सेंडर, रिसीवर और रिस्पॉन्स। राइट आंसर क्या होगा, जो भी आपको पता है, मेरे हिसाब से मोस्टली स्टूडेंट को पता है कि मैसेज ट्रांसमिट कौन करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, सेंडर। सेंडर क्या करता है, सेंडर मैसेज भेजता है, ठीक है, मैसेज भेजता है किसकी सहायता से, चैनल की सहायता से, किसको भेजेगा, रिसीवर को। रिसीवर इसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद में ये क्या भेजेगा, फीडबैक, फीडबैक भेजेगा किसको, सेंडर को। ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। तो देखिए, सबसे पहले मैसेज है वो कौन ट्रांसमिट कर रहा है, वो करेगा सेंडर, मैसेज भेज रहा है वाया चैनल किसको, रिसीवर को। रिसीवर को मिला, रिसीवर ने इसको डिकोड किया,
उसके बाद में रिसीवर अपना फीडबैक भेजता है। फीडबैक कौन देता है? रिसीवर किसको? सेंडर को। ये क्या है? कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड। जो भी WHO है उसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन में देखिए, न्यूयॉर्क में, लंदन में, जिनेवा या पेरिस। एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आया, इम्पोर्टेंट है। आपको जो भी हेडक्वार्टर्स है वो भी याद रखने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिनेवा। जिनेवा इज राइट आंसर है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और एक पूछते हैं, यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो भी हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? ये है US में। ठीक है, यहाँ पे किसका है? यहाँ पे है यूनिसेफ का, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस्ड अमंग। जो भी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन में देखिए, क्रोनिक पेशेंट्स में, न्यूली मैरिड वुमेन में, चिल्ड्रन में, या ओल्ड एज पीपल में। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। जो भी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, किसमें देखने को मिलेगा? वो सबसे ज्यादा चिल्ड्रेन में और एडोल्सेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसे वाले क्लाइंट में आपने देखा होगा, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? अटेंशन डिफिसिट है। ठीक है, उसके कारण उनमें जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो भी देखने को मिलती है। किसमें? चिल्ड्रेंस में मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज। आप लेड पॉइजनिंग को हम कौन से नाम से जानते हैं? आपको वो बताना है। ऑप्शन में देखिए, प्लम्बिजम, सिलिकोसिस, सिडरोसिस और लिथोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। लेड पॉइजनिंग, इसको हम प्लम्बिजम नाम के से जानते हैं। ठीक है, लेड पॉइजनिंग को किस नाम से जानते हो? प्लम्बिजम। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है अगर लेड पॉइजनिंग हुई है? तो उसमें उसमें हम देते हैं डाइमरकेपॉल। ठीक है, सिलिकोसिस, सिलिका के कारण से, सिडेरोसिस, आयरन की टॉक्सिसिटी, वो क्या है? सिडेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। फार्मर्स लंग डिजीज इज सीन ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ। तो जो भी फार्मर लंग डिजीज है वो किसके इनहेलेशन से होती है? ऑप्शन में देखिए, एस्बेस्टोस, कोल डस्ट, केन फाइबर और हे और ग्रेन डस्ट। ये ऑक्यूपेशनल डिजीज से बहुत बार क्वेश्चन आता है। उसमें आपको एंथ्रेकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है और आपका बीएशिनोसिस है, उससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको जरूर देखना है एक बार ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। जो भी हे और ग्रेन डस्ट है उसके कारण से क्या देखने को मिलता है? फार्मर्स लंग डिजीज है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, एस्बेस्टोस के कारण से एस्बेस्टोसिस, कोल डस्ट के कारण से क्या देखने को मिलेगा आपको? एंथ्रेकोसिस, और केन फाइबर के कारण से आपको देखने को मिलेगा बैगासोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना, वेजाइना की नॉर्मल पीएच है वो कितनी होती है? ये आपको बताना है रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितनी होती है। तो क्या कितनी होती है नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना? ऑप्शन में देखिए, 2, 2.5, 3.52, 4.5, 4.52, 5.5 और 5.2, 6.5। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। वेजाइना की पीएच क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, और एसिडिक क्यों होती है? डोर्डरलाइन बेसिलाई पाया जाता है वेजाइना। ठीक है, उसके कारण से वहाँ की पीएच क्या होती है? वहाँ की पीएच होती है एसिडिक। और ओवुलेशन के टाइम पे जो भी वेजाइना की पीएच है वो क्या होती है? वो बेसिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैस्टाइटिस मीन्स,
आपको बताना है जो मेस्टाइटिस है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन में देखिए डिशमेनोरिया, पेल्विक पेन, पेन स्वेलिंग रेडनेस ऑफ ब्रेस्ट और वेजाइनल डिस्चार्ज। तो राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेन स्वेलिंग रेडनेस ऑफ ब्रेस्ट। मेस्टाइटिस क्या है? मेस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, उसको आप क्या बोलते हो मेस्टाइटिस। तो इन्फ्लामेशन में आपको पेन देखने को मिलता है, रेडनेस स्वेलिंग देखने को मिलता है, किसकी ब्रिस्ट की। तो ये क्या है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रिस्ट, जिसको आप कौन से टर्म से नाम से जानते हो वो होता है मेस्टाइटिस। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इंजेक्शन इज गिवन टू न्यू बॉर्न। विटामिन के का इंजेक्शन न्यू बॉर्न को क्यों दिया जाता है? ऑप्शन में देखिए टू प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग, टू इम्यूनाइज बेबी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वोमिटिंग। उसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन इसीलिए दिया जाता है कि उसमें किसी तरह की ब्लीडिंग ना हो। ठीक है क्यों? क्योंकि जो भी न्यू बॉर्न है उसकी जो भी इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो क्या होती है स्टेराइल होती है, और जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसमें विटामिन के का इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें जो भी हेमरेजिक टेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और जो भी लीवर के अंदर कोगुलेशन फैक्टर है उसको एक्टिवेट किया जा सके। ठीक है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टू प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम सीरियस ब्लीडिंग, इसके लिए विटामिन के का इंजेक्शन है वो दिया जाता है न्यू बॉर्न बेबी को। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन कंटेंट, पेंटावेलेंट जो भी वैक्सीन है उसमें क्या होता है, कितनी बीमारियों के लिए उसमें वैक्सीन पाई जाती है। ऑप्शन में देखिए 5 डिजीज वैक्सीन, 3 डिजीज वैक्सीन, 1 डिजीज वैक्सीन और नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, 5 डिजीज वैक्सीन। ठीक है जैसे नाम से है पेंटावेलेंट, पेंटा मतलब होता है 5, तो कौन कौन सी डिजीज के लिए इसमें वैक्सीन आती है, वो आती है इसमें डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, प्लस में हेपेटाइटिस बी, प्लस में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गई 5, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस हेपेटाइटिस बी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, ये कंबाइंड वैक्सीन है उसको हम किस नाम से जानते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यूरिन लाइक ओडोर ऑफ द ब्रीड इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन अभी जस्ट जो भी UPSC की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था, यूरिन लाइक ओडोर है उसको आप किस नाम से जानते हो। ऑप्शन में देखिए यूरेमिक फ्रॉस्ट, यूरेमिक लंग, डिसजेशिया और यूरेमिक फेटोर। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी यूरेमिक फेटोर। ये जो भी यूरेमिया वाली जो भी कंडीशन है क्लाइंट है उसमें देखने को मिलता है, और जो भी स्मेल है वो सलाइवा में स्मेल आती है। सलाइवा में स्मेल किस कारण से आती है, जो भी अमोनिया है और जो भी यूरिया है उसका ब्रेकडाउन होता है उसके कारण से। ठीक है तो वो क्या है यूरेमिक फैक्टर। और एक एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन और आता है फ्रूटीज ब्रीथ, वो किस में देखने को मिलती है, डायबिटिक किटोएसिडोसिस की कंडीशन है उस वाली में आपको फ्रूटीज ब्रीथ आती है। ठीक है और यहाँ पे यूरिन लाइक ओडोर आ रही है स्मेल आ रही है तो उसको आप यूरेमिक फैक्टर के नाम से जानते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, UPSC के एग्जाम में पूछा गया था, ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो आपको बताना है ए और बी के बीच में रिलेशन है वो क्या होगा। ऑप्शन में देखिए माँ पुत्री, भाभी देवर, बहन भाई और माँ पुत्र। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसको देखिए ए, ए क्या है माँ है, किसकी माँ है बी की। ठीक है लेकिन आगे क्या बताया गया कि लेकिन बी, बी है ये है ये इसका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। तो हमेशा क्या होता है कि एक माँ होती है उसके दो तरीके की संतान होती है, एक बेटा या एक बेटी, पुत्र या पुत्री। तो यहाँ पे पुत्र तो नहीं है, फिर ये क्या होगी पुत्री।
ठीक है, ये क्या होगी, पुत्री। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, माँ और पुत्री का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, माँ और पुत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वुमन हु नेवर गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, एक वुमन है जो जिसने कभी लाइव बर्थ को, लाइव बेबी को जन्म नहीं दिया, आप उसको कौन से टर्म्स के नाम से जानोगे। ऑप्शन में देखिए, नली पेरा, नली ग्रेविडा, प्राइमरी पेरा और पार्टुरियंट। राइट आंसर इसका क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, नली पेरा। ठीक है, एक नली पेरस वुमन वो होती है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी लाइव बेबी को जन्म नहीं दिया। ठीक है, चाहे उस वो प्रेग्नेंट हुई होगी प्रेगनेंसी के बाद में, चाहे उसने स्टिल बर्थ किया होगा, चाहे उससे अबॉर्शन हो गया होगा, मिसकैरेज हो गया होगा, लेकिन उसने कभी भी लाइव बर्थ है वो नहीं किया। ठीक है, लाइव बर्थ बेबी को जन्म नहीं दिया, वो क्या है, नली पेरा, नली उस वुमन को नली पेरस वुमन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान फेस पे पिगमेंटेशन वो बढ़ जाता है, तो आप उसको कौन से टर्म से जानते हो। ऑप्शन में देखिए, लाइनिया नाइग्रा, स्ट्रिक ग्रेविडा, क्लोजमा, कैपुट मेडुशा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है स्किन का, कहाँ पे, फेस पे, तो हम उसको क्लोजमा नाम से जानते हैं, क्लोजमा नाम से जानते हैं, और मेलाज्मा के नाम से भी जानते हैं। वो एक नाम और है, वो मैंने कई बार बताया है, वो क्या है, फेस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी आप किसको बोलोगे, जो भी क्लोजमा है मेलाज्मा है उसको बोलोगे। ठीक है, लेनिया नाइग्रा आपको एक जो भी गाड़ी लाइन दिखेगी, कहाँ से, जो भी जी फोइड आपका स्टोनम की प्रोसेस है, और कहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूपिस तक, वहाँ पे आपको एक गहरे कलर की लाइन देखने को मिलेगी, सिंगल लाइन, वो है लेनिया नाइग्रा। स्ट्रिक ग्रेविडा, ये आपको फाइन पिंक कलर की लाइन, व्हाइटिश लाइन देखने को मिलेगी, जो भी आपका फ्लैंक एरिया है एब्डोमेन का, वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्यूनोग्लोबिन विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न अगेंस्ट इंटेरिक इन्फेक्शंस, जो भी न्यू बॉर्न है उसमें इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है वो जिम्मेदार है। ऑप्शन में देखिए, IgA, IgD, IgG, IgM। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, IgA। जो भी इम्यूनोग्लोबिन एल्फा है, ये जो भी न्यू बॉर्न है, जो भी नियोनेट है, उसको कहाँ से मिलेगी, वो उसको अपनी मदर से मिलेगी, कोलोस्ट्रम आपने पढ़ा होगा, उसमें IgA पाया जाता है। ठीक है, जो भी मदर मिल्क है उसमें IgA पाई जाती है, ये क्या है, एक इम्यूनोग्लोबिन है जो बच्चे को इंटेरिक इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट टू बी एडमिनिस्टर ओरली वंस इन एवरी 6 मंथ फॉर ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, आपको बताना है रिकमेंडेड डोज, एक 3 साल के बच्चे में हर 6 महीने पे उसको विटामिन ए की जो भी डोज है वो दी जाती है। ठीक है, और कब तक, 5 साल तक दी जाती है, लेकिन यहाँ पे बेबी की उम्र कितनी है, वो है 3 साल की, तो उसके लिए डोज कितनी होगी, 5,000 इंटरनेशनल यूनिट, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि बच्चे की उम्र कितनी है, 3 ईयर। सबसे जो पहली डोज होती है वो देते हैं हम 9 महीने पे, सिर्फ सिंगल डोज होती है 9 महीने पे, वो कब देते हैं, 9 मंथ पे। ठीक है, 1 लाख यूनिट। उसके बाद में सेकेंड डोज होगी, वो होगी 18 मंथ पे, वो होगी 2 लाख यूनिट। उसके बाद में 5 साल तक जो भी बेबी है उसको हर 6 महीने पे, 18 से सेकेंड डोज हो गई 18 पे, तो थर्ड डोज हो गई 24 महीने पे। ठीक है, और फिर फोर्थ डोज हो गई 30 मंथ्स पे। ठीक है, तो वो बाकी की डोज है जितनी, वो कितने में लगेगी, कितनी लगेगी, वो लगेगी 2 लाख इंटरनल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन, जो भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की जो भी फर्स्ट डोज है वो कब देते हैं। ऑप्शन में देखिए, एट बर्थ, 14 वीक्स, 6 मंथ और 9 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए।
तो जो भी हेपेटाइटिस बी की जो फर्स्ट डोज है वो कब देते हैं, वो देते हैं एट बर्थ। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जो भी पहली डोज होगी वो कब मिलेगी, वो मिलेगी एट बर्थ। ठीक है, तो उसमें देखिए बर्थ पे कौन कौन सी लगाएंगे आप। बर्थ पे हम लगाएंगे बीसीजी और इसमें से प्लस में ओपीवी प्लस में हेपेटाइटिस बी, ये लगती है बर्थ पे। फिर इनकी जो नेक्स्ट डोज होगी वो होगी 6 वीक पे, फिर 10 वीक पे। ठीक है, ये इनकी डोज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन। जो भी डीपीटी वैक्सीन है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा, कौन से रूट से लगाओगे। ऑप्शन में देखिए इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस। राइट आंसर इसका क्या होगा कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, इंट्रामस्कुलर। जो भी डीपीटी है वो हम उसको इंट्रामस्कुलरली लगाएंगे। बच्चे में साइट कौन सी होगी, वास्टस लैटरलिस। कौन सी साइट, वास्टस लैटरलिस। और सब जो भी सबक्यूटेनियस से दो बार क्वेश्चन आया हुआ है उसमें मीजल्स आ गई आपकी, एमएमआर आ गई। ठीक है, और एम्स दिल्ली में भी एक क्वेश्चन आया था ओरल पे, तो वो है रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस। ठीक है, और ओपीवी ये ओरली दी जाती है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिट थ्रू एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है कि जो जितनी भी बीमारियाँ है वो ब्लड के कॉन्टेक्ट से फैलती है, इन्फेक्शियस ब्लड से, और किसी एक को छोड़ के, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में देखिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और हेपेटाइटिस ई। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस ई। कौन किस रूट से फैलती है, फिकल ओरल रूट। ठीक है, तो उसका रूट क्या होगा, वो होगा फिकल ओरल रूट, और ये बाकी की ये ब्लड से फैलती है। ठीक है, जो भी इन्फेक्शियस ब्लड से फैलती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी। ठीक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। आपको बताना है जो भी फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग है वो कब लॉन्च हुआ। ऑप्शन में देखिए 1951, 1952, 1956 और 2008। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 1952। 1992 में जो भी नेशनल प्रोग्राम वो फैमिली प्लानिंग है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, आपको ये डेट है और आपको जो भी ईयर है ये याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इनमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मैंने पीडीएफ बना रखी है, जो हमारी एप्लीकेशन पे जो भी कोर्स है उसमें पीडीएफ है, उसमें मैंने हर तरह की चीज़ें वो डाल रखी है सीएचओ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच टू बोन एट द जॉइंट इज कॉल्ड। एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन है, जॉइंट उसके बीच में पाया जाता है, आप उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में देखिए नर्व, टेंडन, कार्टिलेज और मसल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्टिलेज। जो भी जॉइंट्स है आप इसे देखते हो, ये जॉइंट्स है, इसके बीच में एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो इसके बीच में फोर्स है, फ्रिक्शन है, उससे बचाने का काम करता है, बोन को रब होने से बचाने से काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है, जो भी फोर्स पड़ता है एक्स्ट्रा उससे बचाने का काम करता है, तो वो क्या होते हैं, वो है कार्टिलेज, वो क्या है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग हेयर साइन करेक्टरिस्टिक्स फीचर सीन इन चिल्ड्रेन। जो भी फ्लैग हेयर साइन है ये किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन में देखिए क्वाशियरकोर, मिरास्मस, स्किन डिसऑर्डर और पेलेग्रा। राइट आंसर इसका क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो भी फ्लैग हेयर साइन है किस में देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं क्वाशियरकोर में। क्वाशियर कोर में फ्लैग हेयर साइन देखने को मिलता है, इसमें जो भी हेयर है वो ब्रिटल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ब्रिटल व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लगेगा कि ये कोई फ्लैग का निशान हो गया, दो तीन कलर का। ठीक है, तो वो क्या है, फ्लैग हेयर साइन।
किसमें देखने को मिलता है? क्वाश्योर कोर में। क्वाश्योर कोर में आपको पोर्ट बेली साइन में देखने को मिलता है, ठीक है, जो भी पेट है वो पोर्ट जैसा देखने को मिलता है, किसमें? क्वाश्योर कोर में। मिराज मस में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको मंकी लाइक फेस है वो देखने को मिलता है, ठीक है, मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है, और जो भी बेबी है चाइल्ड है उसमें एक्सेस वास्टिंग ऑफिसर से वो देखने को मिलता है, बहुत दुबला पतला बच्चा है वो देखने को मिलता है, किसमें? मिराज मस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट इज डायग्नोस्ड विद हाइड्रोसिफिलस, एक बच्चे में डायग्नोस हुआ है क्या? हाइड्रोसिफिलस। विच असेसमेंट अलर्ट टू CHO द सस्पेक्ट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक बच्चे में हाइड्रोसिफिलस डायग्नोस हुआ है तो जो CHO है जो असेसमेंट कर रहा है उसको क्या पता चलेगा कि जो भी इसका इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो हो रहा है, ठीक है, जो भी ICP है वो बढ़ रहा है। ऑप्शन में देखिए, संगन आइज, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, डिप्रेस फंटानेल और नेरोइंग पल्स प्रेशर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है? हाइड्रोसिफिलस में ICP देख बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, मिलेगा ये, इसमें क्या होगा? ICP इंक्रीज ICP देखने को मिलेगा। अगर ICP बढ़ा तो वो क्या है कि जो भी आपका वोमिटिंग सेंटर है उस पर भी प्रेशर डालेगा, जिससे बच्चे में क्या देखने को मिलेगी? क्या देखने को मिलेगी? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड फ्रैक्चर इन चिल्ड्रेन, बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाला फ्रैक्चर है वो कौन सा है? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, रिन स्टिक, ट्रांसवर्स, कंपाउंड या कम्यूनिट, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो भी इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। आपके कितने MCQ सही है वो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये था CHO एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आप CHO एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है 399 रुपये में 1 साल के लिए। आपको ये कंटेंट मिलेगा, PDF, टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर और कम्युनिटी के टेस्ट, GK रीजनिंग का पोर्शन और रिकॉर्डेड लेक्चर। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है 699 रुपये में, PDF, मेगा टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट, नॉन नर्सिंग पार्ट और वीडियो लेक्चर्स वो देखने को मिलेंगे। इसमें अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए ओम नर्सिंग अकेडमी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और हमारा कोर्स है उसको आप ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स के बारे में, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।